ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत पांडवों की कहानी सुना देता हूं। सबको थोड़ा गर्व तो रहता ही था, अर्जुन को, भीम को, हमने युद्ध जीता है, ये बड़े बड़े महारथियों को मार गिराया है। तो अंत की कहानी है बिल्कुल। देखो, पांडवों के खेल की समाप्ति से पहले उन्हें भगवान ने रियलाइज करा दिया। क्या कराया वो सुनो। युधिष्ठिर को अनुभव होने लगा, मेरे पास धर्म की शक्ति नहीं रही है। भागवत में मैंने वो 10 बातें पढ़ी, तो युधिष्ठिर कह रहे हैं मैं जिधर जाता हूँ कुत्ते भौंकते हैं। राजा को कुत्ते नहीं भौंकते थे। शहर से रोने की आवाज आने लगी है, ये धर्म प्रधान राजा का लक्षण नहीं है। घरों में चोरी होने लगी हैं, गड़बड़ हो रही है। भीम को महसूस हुआ बल ही नहीं है मेरे पास। दूत को बुलाया, भागो, जाओ श्री कृष्ण को बुला के लाओ, इधर तो कुछ हो रहा है। अर्जुन गया था श्री कृष्ण के पास धनमाल मांगने के लिए। श्री कृष्ण ने सोच लिया था मेरा पार्ट पूरा हुआ। अर्जुन के मन में सोने के प्रति मोह पैदा हो गया। कलयुग का प्रारंभ दिखाया है शास्त्रों में, जब मनुष्य की आसक्ति सोने में हो गई, गोल्ड में। उससे पहले यहाँ अथाह धन संपदा थी, सोने को कोई पूछता नहीं था। तो श्री कृष्ण ने विचार कर लिया, अर्जुन को सब धन माल दे दिया। अर्जुन लेकर आ रहा था, श्री कृष्ण गए अपने धाम। इधर अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। वो अर्जुन, इसके लिए तो इधर गीत बने हुए, वही अर्जुन वही बाण, गो भीलों ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन आया है, दूत आया है, अर्जुन के चेहरे पर तेज नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन, कहीं युद्ध में हार गए क्या? अर्जुन ने सिर नीचा कर लिया। दूत आ गया, क्या समाचार लाए हो? श्री कृष्ण तो अपने धाम सिधार गए। तब इन्हें महसूस हुआ कि हमारे पास जो शक्ति थी वो हमारी नहीं थी, हमारे साथ काम कर रही थी। तो अर्जुन विजयी था, भीम की भुजाओं में बल था, मेरे पास धर्म की शक्ति थी, वो गए तो ये भी गई, हम भी चलें। वहाँ से दिखाया, उन्होंने परीक्षित को राज तिलक दिया और स्वर्ग की यात्रा की। तो ये सत्य है कि हम सब भी, मैं यहाँ बोल रहा हूँ क्यों, ईश्वरीय शक्तियाँ पास हैं। हम विश्व परिवर्तन का काम करने चले हैं। सोच के तो देखो, लोग सुने विश्व परिवर्तन, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? किसकी शक्ति से? बाबा की शक्ति। उसने ही संकल्प दिया, उसने शक्ति दी, उसने इतना बड़ा काम दिया हमें। तो जब तक हमारे पास ईश्वरीय शक्ति है, हम भी नशे में चूर हैं। और जिस दिन ये शक्ति हट जाती है, हमने हटती देखी बहुत होगी, उस दिन हम कुछ नहीं रह जाते। तो जो कुछ हमारे पास है वो प्रभु देन है, पक्का कर दो सभी। न धन का अभिमान, न बल का, न परिवार का, न पद पोजीशन का, सब कुछ ईश्वरीय देन है। समा गया ना अंदर में? तो देन समझकर हम अपने मैंपन और अभिमान को समाप्त करेंगे तो बहुत अच्छा हमारा जीवन हो जाएगा।